इन तस्वीरों को प्ले करिए और बहुत ध्यान से मैं चाहूंगा जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि मसला गोदी मीडिया रोंदी मीडिया का हो रहा था, मैं इसलिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें देखिए, बिल्कुल दिख रही हैं, ये तस्वीरें देखिए आपने भार्गव जी जी, ये तस्वीरें सभी जो हैं वो एक्सप्रेस वे में जो कह रहे थे आप जी, ये वो आवभगत में जी, मैं प्रमुख साहब ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, सारी की सारी सरकारी बसें हैं। स्वयं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए क्या वाकई में जनता नहीं आ रही? सभी सरकारी बसों से उठा उठा के लोग ला रहे हैं आप क्या? ये बसें, सरकारी बसें इस्तेमाल हो रही हैं आपके कार्यक्रमों के लिए, क्या ये जायज है प्रमुख साहब? देखिए, ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं उत्तरांचल एक्सप्रेस वे का, और यहाँ जिस तरह से प्रोग्राम चल रहा है, ये शहर से लेकर एक दूरी का भी कारण हो सकता है। और जो प्रदेश में सरकार है या जिस जगह जिस क्षेत्र में ये प्रोग्राम हो रहा है, जिस जगह एक डीएम और एसएसपी यहाँ लगते हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है ये माननीय प्रधानमंत्री जी। नहीं, 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 आप तो वीआईपी कल्चर को खत्म करने वाले थे ना, देश के प्रधानमंत्री। प्रमुख साहब, मैं वो बसें दिखा रहा था, मैं तो ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप ही कह रहे थे ना कि हमारे यहाँ कोई वीआईपी कल्चर नहीं होता। अब बताइए, आप सरकारी बसें इस्तेमाल कर रहे हैं आप, क्या ये जायज है? सरकारी बसें प्लीज प्ले करते रहिए बसों के लिए। हमारे यहाँ बसें वीवीआईपी के लिए नहीं है और ना ही वीआईपी के लिए है। नहीं तो ये सरकारी बसें क्यों इस्तेमाल हो रही हैं? ये सुविधा दी गई है उस जन के लिए दी गई है जो प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते थे। नहीं नहीं नहीं, तो सरकारी बसों से लोगों को उठा उठा के लाएंगे क्या? प्लीज पीसीआर प्ले करिए एक सेकंड। नो नो नो, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, सरकारी बसों से आप लोगों को उठा के लाएंगे क्या? ये जायज है प्रमुख साहब? नहीं नहीं, आप प्ले करिए, प्लीज प्ले करिए जी। ये साबित नहीं कर सकते आप, ये व्यवस्था जो है ये साबित करने वाली बात नहीं है। नहीं, मैं तो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप बोलिए तो तस्वीरें झूठी हैं। आपने बसों का जिक्र किया, ये सरकारी बसें आपके कार्यक्रम के लिए क्यों इस्तेमाल हो रही हैं? आज अगर जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहती है तो बसें की व्यवस्था तो वह होनी ही थी। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रूफ हो, ऐसा कोई वीडियो हो कि इसकी वजह से जनता सड़कों पर पैदल चली या जनता पर कोई आफत आई। सर, मैंने तो बसों की कतार दिखा दी आपको, वो बसों की कतार लगी हुई थी, सरकारी बसें, सारी सरकारी बसें हैं। लेकिन मैं ऐसे स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। मैं ये कहता हूँ कि जितनी जिम्मेदारी हमारी सरकार की जनता को सुविधा देने की है। अच्छा, तो बस अड्डे पर पब्लिक खड़ी होगी, उसका क्या कसूर होगा? आपने सरकारी बसें यहाँ इस्तेमाल कर ली प्रमुख साहब, बस अड्डे पर वो पब्लिक क्या होगी जिसे अपने गंतव्य स्थान पर जाना होगा? 12 नवंबर महोबा के जिला अधिकारी है मनोज कुमार जी, 12 नवंबर को लिखते हैं लेटर जनपद महोबा में माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार के दिनांक 19/11/2021 को प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत आम जनमानस को जन सभा स्थल तक लाने एवं ले जाने हेतु 1600 बसों की व्यवस्था के संबंध में। अरे, खून पसीने की कमाई का पैसा भारतीय जनता पार्टी की लाल फीता शाही तय करेगी। 1600 बसों की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं है, जो सरकारी सिंचाई विभाग से दिया जाएगा। ओके, ओके, मैं यही जानना चाहता हूँ तिलक भाई, हमारे देश और प्रदेश में क्या हो रहा है? भार्गव जी, 1600 बसों का हिसाब चाहिए ना आपको? एक सेकंड प्रमुख साहब, सुना आपने भार्गव जी कितना नाराज है? वो ये कह रहे हैं कि आप लोग जो है चुनाव में सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। 1600 बसों की बात अभी डीएम का कोई लेटर दिखा रहे थे मुझे, बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड आपको दिखा रहा हूँ, आप ही की 12 नवंबर का दिया हुआ लेटर मेरे पास है, एक सेकंड प्रूफ के साथ में, एक सेकंड जवाब ले लीजिए। 1600 बसों का जो भुगतान है वो सिंचाई विभाग करेगा। कहाँ की खबर है? कहाँ की खबर है? कहाँ का? महोबा, महोबा, महोबा के डीएम मनोज कुमार, मनोज कुमार का नाम ले रहे हैं। प्रमुख साहब जवाब दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भार्गव जी का जो जोश है वो हताशा की एक निशानी और पहचान है, होना भी चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी और बहुत बड़े बड़े डिसीजन करने लगे और वो डिसीजन जो है वो असफलता दिखाने लगे प्रत्यक्ष में। मुद्दे पे आए प्रमुख साहब, भार्गव जी कह रहे हैं वो डीएम वाला हिसाब दीजिए, डीएम वाला 1600 बसें सिंचाई विभाग भुगतान करेगा। देखिए, एक बड़ी बात और दिखा रहे हैं, वो बकायदा लेटर दिखा रहे हैं डीएम का। साढ़े चार वर्षों तक भार्गव जी सरकार का हिस्सा बनकर और सारे कर्मों के अच्छे बुरे के साक्षी हैं। मुद्दे पे आइए ना, डीएम वाले लेटर पे जवाब दीजिए। इतने बढ़िया थे तो पहले ही बार छोड़ देना चाहिए था ये हिस्सा।
और डीएम से क्या है? सारे जवाब आप मांगते हम लोगों से। आप जिनके माध्यम से आप जवाब मांग रहे हैं वो आपका अधिकार नहीं बनता। वाह वाह भाई वाह, ताली। मैं तो 24 करोड़ जनता का ताली से स्वागत करूंगा कि प्रमुख जी अगर ये 1600 विषय का 1600 बसों का निर्णय अगर मैं मुद्दे को उठा रहा हूँ तो ये हमारे हक की बात नहीं है। अरे प्रमुख जी शर्म करिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म ही नहीं आती है। आज हमारे देश की ये हालत हो गई। भार्गव जी प्लीज एक सेकंड। प्रमुख साहब गुस्सा नहीं, प्रमुख साहब एक सवाल का जवाब। पेट में दर्द ना हो प्रमुख जी, पेट में दर्द ना हो। वो कहते हैं कि एक होती है गोदी मीडिया, एक होती है रोंदी मीडिया। गोदी मीडिया वो जो गोद में है, रोंदी मीडिया वो जो हर वक्त रोती रहती है। यानी कि हमें ना रोना है ना हम गोदी हैं, हम तो भैया जो है वही दिखाएंगे। बिल्कुल जो है वही दिखाएंगे। चश्मा हमारा धुंधला नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं निरंजन जी कि विकास के मुद्दे पर चुनाव क्यों नहीं होते, होने चाहिए, इसमें दिक्कत क्या? चर्चा हो विकास के मुद्दे पर खुलकर। नहीं नहीं निश्चित रूप से तिलक जी आप बहुत अच्छे एंकर हैं और बहुत बढ़िया एंकरिंग, और आप आपकी डिबेट में जितना आनंद आता है उतना और कहीं पे मुझे आज तक आनंद नहीं आया है, क्योंकि आप विषय पे ही बात करते हैं, विषय से इतर नहीं जाते। तो गोदी मीडिया कहा जाता है नहीं, नहीं, वो कौन कौन क्या है सर, मैं उस विषय में जाना नहीं चाह रहा। वो सबको मालूम है और सबको ये भी मालूम है कि किसकी कलम गुलाम नहीं है, सबको मालूम है। मैं शिल्पी जी से जो सवाल पूछता हूँ वो द्रविड़ प्रमुख से भी पूछता हूँ, और वही सवाल मैं भार्गव जी से भी पूछता हूं, और वही सवाल जो है मैं पंकज जी से भी पूछता हूं। तराजू सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो अगर आप जनता की आवाज है तो जनता की आवाज बन के रहिए, जनता की आवाज उठाइए, तो आपकी एक कल